बहुत बहुत शुक्रिया। आज वाकई में बहुत शुभ दिन है हमारे देश के लिए और हमारे लिए सब के लिए। ऑलवेज हर दिन शुभ ही है अगर आपकी सोच शुभ है तो। चलिए, तो उम्मीद है और विश्वास है कि आज हम लोग इस समय जितने भी लोग मिले हैं वो शुभ सोच की वजह से ही मिले हैं और उसी का नतीजा है कि हम सब लोगों की सोच एक ही दिशा में है कि चलिए मिलकर हम आज के जमाने की सबसे लेटेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा इनकम देने वाली डिजिटल करेंसी जो है उसको कैसे कमा सकते हैं। और इसी विषय पे मैं बात करने आया। मेरी फिर से गुजारिश है, हालांकि ऑलरेडी समीर सर ने सबको रिक्वेस्ट कर दी कि आप लोग फिलहाल आप जहां पे भी हो, अगर सच में इस बिजनेस के माध्यम से उतना पैसा कमाना चाहते हो कि जितना आपको फिलहाल खुद पे विश्वास नहीं, मैं अपने खुद के तजुर्बे से बोल रहा हूं। जब मैंने ये शुरू किया तब मुझे भी नहीं पता था और ना ही विश्वास था, पर आज है क्योंकि इस बिजनेस ने मुझे इतना सारा धन दिया है। तो आप एक अच्छी, आपके घर पे, ऑफिस पे, जहां पे भी हो, जहां पर आपके साथ मैं बात करूं और कुछ नहीं, आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वहां पे आप अच्छे से यहाँ पे बताने वाली बात को गौर से देख पाओ और कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना करे और गौर से ये बात समझ पाओ, इसलिए डायरी पेन के साथ एक अच्छी जगह पे बैठ जाओ जहां पे और कोई नॉइस और किसी भी प्रकार की आवाज आपको परेशान ना करे, क्योंकि मैं आपको आज इस दुनिया की सबसे बेस्ट और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी परोसना चाहता हूं जिसने मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव किए, ऐसे बदलाव जिसको एक जमाने में कभी ख्वाब को ख्वाब समझ के भूल जाने की कतार में था, उन ख्वाबों को हकीकत में पलटते हुए मैंने देखा है इस बिजनेस के माध्यम से, सिर्फ यही बिजनेस के माध्यम से। तो चलिए मिलके हम चलते हैं उस दुनिया में जहां में सच में सपने साकार होते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमने बहुत सारे लोगों के सपने साकार होते हुए देखे हैं, खुद के सपने को बुलंद आवाज से पूरा होते हुए देखा है। मैं स्वागत करता हूं आपका इस बिजनेस की जबरदस्त बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए, वही रास्ता जिस रास्ते से मेरे सपने पूरे हुए, आपके भी हो सकता है अगर सोच बदलेगी तो। मेरा काम यही है कि आपकी सोच में परिवर्तन हो, क्योंकि सोच ही हर परिवर्तन का मूल रूप होता है। चलिए तो चलते हैं एवरग्रीन की दुनिया में। ये एवरग्रीन है, सच में एवरग्रीन है, आगे आगे बात समझेंगे, समझ में आता जाएगा। चलिए तो शुरू करता है। इस बिजनेस का नाम है एवरग्रीन और इसकी वेबसाइट का नाम है evergreenworld.io। तो ये जो वेबसाइट है वो इंटरनेट पर बीएससी स्कैन पर 100% ऑटोमेटिकली काम करती है, मतलब कि इसके ऊपर किसी भी इंसान का कोई भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर कोई भी सिस्टम 100% ऑटोमेटिक है, जिसको टेक्निकल शब्दों में डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, वो अगर ऑटोमेटिक है तो आपकी इस बिजनेस के माध्यम से जो भी इनकम होती है ना, वो कभी भी कहीं पे भी रुकती नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी बटन या तो कहीं पे कुछ क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आपका फंड वो काम करके या बिना काम करके इस संगठन से मिलने वाला हो, जो भी हो, वो सीधा का सीधा आपके पॉकेट में आता है और इसी को 100% डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। तो ये जो बिजनेस है वो पूरा 100% डिसेंट्रलाइज है। जैसे हमारे घर में एक जगह पे किचन होता है, एक जगह पे बेडरूम होता है, एक जगह पे लिविंग रूम होता है, तो उसी तरह हमारे मोबाइल में इस बिजनेस से आने वाली इनकम को स्टोर करने के लिए
या इस बिजनेस में जुड़ने के लिए जो चाहिए वो हर एक इंसान अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से ट्रस्ट वॉलेट या तो मेटामास्क नाम की ऐप इंस्टॉल करता है। उस ऐप का काम क्या है? वो आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी देता है और दूसरा आपकी क्रिप्टो करेंसी के बेस पर चलने वाला ये प्रोग्राम आपकी जो भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में इनकम होगी उस इनकम को आपके ट्रस्ट वॉलेट में सीधा पहुंचाएगा और वहीं पे आपकी वो क्रिप्टो करेंसी स्टोर होगी जिस करेंसी को आप आपके देश की करेंसी में 2400 घंटे में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है ये बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी कि आप इस बिजनेस के माध्यम से जो भी क्रिप्टो करेंसी कमाओगे वो 24 घंटे में आप जब भी चाहो उसको आपके देश का, जैसे मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूं और वो करेंसी जब भी मुझे मिलेगी बिना किसी भी प्रकार का कोई भी विड्रॉल का बटन या क्लिक किए बिना ही सीधे मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आके रुकेगी। यही सबूत है, यही प्रूफ है 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम का, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई इंसान का इंटरफियरेंस नहीं होता। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके साथ कि ये बिजनेस में हम कैसे इनकम ले सकते हैं। तो इसकी जर्नी जो है यहाँ पे नीचे लिखा है नेवर क्विट, वो भी आपको बात बात में साथ में समझ में आएगा कि क्यों इस बिजनेस में कोई भी इंसान बिजनेस शुरू कर सकता है, आने वाली इनकम को रोक नहीं सकता। उससे पहले समझ लेते हैं बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। पूरी दुनिया में 23-24 हजार से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां है, लेकिन उसमें हर चीज में देखते हैं ना नंबर वन कौन है। उसी तरह आज हर एक बच्चा क्या भी जानता है जिसको, वो है पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नंबर वन पर बिटकॉइन, जो तकरीबन 60-65 लाख के आसपास एक कॉइन की कीमत है। कीमत सुन के घबराना मत, मेरे साथ रहिए, मैं आपकी सारी दुविधाएं जानता हूं और उसका हम मिलके सॉल्यूशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम है इथेरियम। इथेरियम इन कॉइन की इतनी डिमांड है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज एक इथेरियम कॉइन की कीमत तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा है। और उसके बाद जो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो एक्सचेंज है उसकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है, जो पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पर है, जिसकी खुद की, इसका नाम है बीएनबी। और ये बीएनबी आज एक कॉइन की कीमत है तकरीबन 50 हजार से ऊपर, 55-60 हजार के आसपास। अब आप बोलोगे कि ये क्रिप्टो करेंसी कॉइन अब हम इतना महंगा खरीद नहीं सकते। मेरी बात को गौर से सुनिए, मैंने आपको नहीं बोला कि आपको ये कॉइन खरीदना है। हम लोग मिलकर इस क्रिप्टो करेंसी को कैसे कमा सकते हैं वो बिजनेस प्रपोजल मैं आपके पास लेकर आया, और इसीलिए आप डायरी और पेन लेकर बैठो ताकि मेरी बात को आप नोट कर पाओ। मेरी बात खत्म होने के बाद जो सवाल आपके दिमाग में उठेंगे उसका जवाब आपको वो डायरी में लिखी हुई बात समझा पाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हम हर एक इंसान हर एक पहलू में एक ही जगह पे काम करता है, तो इस बिजनेस में भी evergreenworld.io जिसका वेबसाइट का नाम है, वहां पर काम करने की जगह है जिसका टेक्निकल नेम है E3+, जहां पे काम करना है। और हर जगह पे एक टारगेट लेते हैं ना, और उसी तरह यहां पे भी ये टारगेट नहीं है, लेकिन अगर आप एक साइकिल यानी कि एक टास्क, वन टाइम वन टास्क पूरा करोगे तो तब तक में आप 111.17 बीएनबी कमा सकते हो। एक बीएनबी की कीमत 50 हजार भी पकड़ते हो तो ये कहां जाएगा आप बाद में कैलकुलेशन करना, फिलहाल मेरे साथ रहो। वर्किंग एरिया जिसका नाम है E3+, उसके बाद दूसरी जगह जहां पे चार अलग अलग डिवीजन है,
मतलब कि चार अलग अलग जगह है। यहाँ पे आने वाली इनकम पूरा एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आईओ का परिवार आज तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। मिलके जो काम करता है उसकी वजह से जो इनकम जनरेट होती है, जो टर्न बाय टर्न हर एक इंसान को बांटी जाती है, ये इनकम जो चार अलग अलग स्टेज में आपको मिलेगी, वो उसका पहला स्टेज है E5। E5 जहां पे 7.205 BNB एक आईडी पर एक इंसान को मिलता है। उसके बाद की जगह है वो है E5+, जहां पर 144 144.10 BNB प्रति आईडी, हर एक आईडी पर आपको मिलेगा, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। उसके बाद है EG4। यहाँ पे एक इंसान EG4 क्वालिफाई होने पर एक आईडी पर 610.80 BNB की इनकम पाएगा। उसके बाद है प्रीमियम प्लस है, इसलिए उसका नाम है E3 प्रीमियम, नॉट डाउन ऑल द प्लेसेस। E3 प्रीमियम जहां पे एक इंसान एक आईडी से 300 BNB कमा लेता है। चलिए, तो ये दो डिवीजन हुए, पहला है वर्किंग, दूसरा है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग मतलब पूरा संगठन, पूरा परिवार मिलके जो काम करता है उसका पैसा हर एक इंसान को टन बाय टन बांटा जाता है, जिसको आसान भाषा में ऑटोपूल या नॉन वर्किंग इनकम कहते हैं। ये मिल सकती है। कैसे? आगे बढ़ते हैं, गौर से समझिएगा। इस बिजनेस में आपको गंवाने जैसा, नुकसान जैसा कुछ भी नहीं। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। चलो, ये बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं? आपके मोबाइल में सिर्फ प्ले स्टोर या तो मेटामास्क नाम का एक प्रोग्राम चाहिए, जिसके माध्यम से आप इस एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आईओ में जुड़ सकते हो। चलिए, तो जब शुरुआत करते हैं इस बिजनेस में, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, बना के जिन्होंने इंटरनेट पर छोड़ दिया, जो ऑटोमेटिकली 100% डिसेंट्रलाइज होने की वजह से अपने आप काम करता है, तो ये प्रोग्राम कोई भी इंसान आसानी से इस बिजनेस में शुरुआत कर पाए। एक छोटी सी रकम BNB का 100वां हिस्सा, और इसलिए यहाँ पे भाषा में 0.01 BNB लिखा है। अगर मान लो कि 1 BNB की कीमत 1 लाख रुपया है, तो कोई भी इंसान इस बिजनेस को 1,000 रुपये में तो शुरू कर सकता है। आज के जमाने में आपका खुद का बिजनेस, चाहे वो किसी भी चीज का हो, शुरू करना है और सिर्फ 1,000 रुपये में शुरू हो सकता है। क्या पॉसिबल है? इस बिजनेस में पॉसिबल है। और साथ में अगर मान लो फ्यूचर में अगर इसका दाम 5 लाख भी हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले BNB नाम की करेंसी की कीमत जो है ना, वो कभी 25,000 हुआ करती थी। जब ये शुरू हुआ तो इसकी कीमत 10 रुपये से भी कम थी, पर उसकी डिमांड ने इसकी कीमत आज 50,000 से भी ज्यादा बढ़ा दी। मान लो ये आगे के जमाने में आपके लिए मान्यता है, हमारे लिए तो 100% ट्रुथ है कि ये 5 लाख भी जाएगा। 5 लाख भी हो जाएगा ना, तो भी ये बिजनेस आप सिर्फ 5,000 से शुरू कर पाएंगे। चलिए, तो ये हुई शुरुआत। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और आपका एक आइडेंटिफिकेशन आपको मिला, एक नंबर आपकी पहचान, एक आइडेंटिटी नंबर, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपका एक नंबर होता है, वैसा ही यहाँ पे मिला। जैसे ही आपके BNB 0.01 BSE स्कैन के माध्यम से कंप्यूटर में पहुंचे, कंप्यूटर ने इसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा 0.01 का आधा हिस्सा 0.005 पहुंच गया वर्किंग एरिया में। इसलिए मैंने बोला आप नोट करो, E3+ जो है वो एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आईओ का वर्किंग एरिया है, तो वहां पे पहुंच गया। और दूसरा जो बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा, वो पहुंच गया नॉन वर्किंग जोन, यानी कि 0.005 पहुंच गया, जहां पे हर एक इंसान को ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होती है। और आपका वो पैसा पहुंचा 0.005 BNB नॉन वर्किंग में, उसकी वजह से इस बिजनेस की शुरुआत में ही जस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी आपको एक आईडी आपका पहुंच जाता है 7.2 BNB वाला E5 में, जिससे आप इंडियन रुपीज 3,60,000 अंदाजे से पाने के लिए एलिजिबल हो गए। जब आपका टर्न आएगा तब आपको मिलेगा। और यहीं से आपकी खरखर शुरू हुई कि भाई
ये 1,000 या उसके साथ थोड़ी बहुत गैस फीस जोड़ के बिजनेस शुरू किया और आपको 3,60,000 कैसे मिल सकते हैं? चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, सब मैथमेटिक्स है और उसी माध्यम से बहुत सारे लोगों को मिला है, मिलता रहा है, आपको भी मिलेगा। चलिए तो ये शुरुआत करते हैं, पहले 3,60,000 कैसे मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो बीएनबी की भाषा है, बीएनबी में समझिए, 0.005 कहां पहुंचा आपका नॉन वर्किंग एरिया। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको कंप्यूटर ने एक क्यू में रख दिया। आपके बाद दुनिया में जितने भी लोग जुड़ते जाते हैं उनको भी कंप्यूटर एक क्यू में रखता जाता है। जैसे ही ये क्यू खत्म हुई, इसको नीचे दूसरी क्यू शुरू हुई। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके नीचे जैसे ही वो क्यू शुरू हुई, उस क्यू में जब भी आपका नंबर आएगा, सिस्टम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 5 लोगों को चुनेगा, जिसको कहते हैं 5 का मैट्रिक्स। उसमें से दूसरी और चौथी जगह पे जो दो लोग आएंगे, उनका आया हुआ 0.005 आपका जब टर्न आया, सीधा बिना किसी विड्रॉल के बटन के पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में। 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। और पहली, तीसरी और पांचवी जगह पे जो 0.005 आया, वो आपके भी ऊपर कोई तो रहेगा, उसके मतलब आपके जो ग्लोबल अपलाइन है जिसको आप फिलहाल नहीं जानते, उनके वहां पहुंच जाएगा। लेकिन उनके वहां पहुंचा हुआ वो फंड आपका एक लेवल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपग्रेड करेगा। पहली बार आप 0.005 वाले स्लोट में थे, वो स्लोट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हुआ और आप पहुंच गए स्लोट नंबर 2 में। जैसे ही स्लोट नंबर 2 जो 0.015 वाला है, वहां पे भी टर्न बाय टर्न आपके नीचे जब 5 लोग आएंगे, तो उसमें से दो सीरी और चौथी जगह का 0.015 यानी कि 0.03 वापस आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपका नंबर आया और पहुंच गया। और पहली, तीसरी और पांचवी जगह का 0.015 यानी कि 0.045 आपके ग्लोबल अपलायन के पास गया, वापस उसने आपके लिए एक नया स्लोट अपग्रेड कर दिया। ये कंप्यूटराइज है, पूरा ऑटोमेटिकली काम करता है। जब आप तीसरे स्लोट में एंटर हुए जो 0.045 वाला है, 5 लोगों का इकट्ठा होके हो जाएगा 0.225 225, उसमें से ऑटो अपग्रेड में ग्लोबल अपलाइन के पास जो जाएगा वो है 0.135, बचा कितना 0.09। लेकिन उसमें से रीजनरेट बीएनबी जहां पे लिखा है 0.02, उस 0.02 बीएनबी से कंप्यूटर आपके लिए ऑटोमेटिकली नई 4 आईडी रीजनरेट करेगा, जिससे आपकी इनकम कंटिन्यूज चालू रहे और ऐसा लगातार चलता रहेगा। तीसरी किस्त, चौथी किस्त, पांचवी किस्त, छठी किस्त, मतलब के 6 इंस्टॉलमेंट में आप पूरा 7.2 बीएनबी कमा तो लोगे, लेकिन वो कमाई खत्म होने तक आपके फिर से 16, जी हाँ 16 नए ऐसे आईडी रीजनरेट हो जाएंगे जो आपको 7.2 बीएनबी देने के लिए काम करे। ये है इस बिजनेस का मैजिक, जिसकी वजह से इस बिजनेस का स्लोगन है एवरग्रीन नेवर क्विट, क्योंकि इस बिजनेस में इनकम अगर ऑन ही रहनी है तो किसी को क्विट क्यों करना है भाई। चलिए तो ये है नॉन वर्किंग इनकम, किस मैथमेटिक्स से आपको 7.2 बीएनबी मिलेगा। अब जब आपको ये समझ आ गया कि इस बिजनेस में गवाने जैसा, नुकसान जैसा कुछ है ही नहीं, इनकम होनी ही होनी है, तो क्या आप ऐसा करोगे? अगर आप मार्केट से कोई अच्छी चीज लेकर आए जो आपको बहुत पसंद आई, कम दाम में मिल गई और आपकी पसंदीदा है, और क्या आप ऐसा, आपका ऐसा नेचर है कि मैं किसी को बोलूंगा नहीं ये मुझे कितने में मिला और इतना अच्छा ही है तो इसको मैं कभी इस्तेमाल भी नहीं करूंगा? ऐसा आज तक ह्यूमन नेचर में कोई नहीं है। और इसी वजह से जब आप इस बिजनेस में जुड़ते हो, आपको ऑटोमेटिकली इनकम आना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप किसी ना किसी को तो बोलोगे ना एज अ ह्यूमन बीइंग कि भाई मैंने ये बिजनेस शुरू किया है जिसके माध्यम से मुझे ये इनकम हो रही है। तो क्या होगा, आपके वेल विशर्स आपकी तरह ही है, आपके जैसे लोग बोलेंगे नहीं हमें भी आपके साथ आना है। तो उसी वजह से एक नेचुरल ग्रोथ की तरह आपने इस बिजनेस में किसी भी एक इंसान को इस बिजनेस में जोड़ दिया। उनके जुड़ने से जो वर्किंग एरिया में 0.005 बीएनबी आया, उसके बदले सिस्टम ने, कंप्यूटर ने आपको दूसरी बार 7.2 बीएनबी वाला एक आईडी दे दिया, जिसे अब आप
7.2 BNB के लिए दो बार एलिजिबल हो गए, जो तकरीबन 7,30,000 हो जाएगा। और आपकी दूसरी और तीसरी जगह पे जो लोग आए उनका 100% यानी कि 0.005 दोनों का मिला के 0.01 वो पहुंच जाएगा बिना किसी रुकावट के सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में। और जब आप इस टास्क का एंड यानी कि एक टास्क पहली एक साइकिल जिसको कहते हैं जहां पे आपको चार लोगों को जोड़ना है, अब जब आप चौथे इंसान को जोड़ते हैं तो वो पैसा जो है ना वो रिसाइकल होता है। और रिसाइकल होके आप जिसके साथ इस बिजनेस में जुड़े हो, आपके जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है, आपके जो स्पॉन्सरर है ना, उनके पास जाके वो रोकेगा। और अगर उनकी वो सेकंड पोजीशन में है तो वो 100% उनके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस में विन विन रिलेशन है जिसकी वजह से पूरे टीम को बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट आपको भी फ्यूचर में मिलेगा जब आपकी टीम बनने लगेगी, इट्स अ नेचुरल। चलिए, तो ये आपके लिए क्या काम करेगा? ये आपके लिए ये काम करेगा कि जो पहले साइकिल के चार लोग फिलअप हो चुके थे वहां पे आप पांचवें इंसान को छठे इंसान को जोड़ सको, इसलिए वो नई साइकिल आपके हाथ में दे देगा। पुरानी साइकिल खत्म, नया टास्क शुरू, सेम वापस चार लोगों को जोड़ने का, है ना, एकदम आसान सा बिजनेस। तो चलिए, यहां पे टोटल 1313 लेवल है। आप इनको 13 प्रकार की 1313 अलग अलग प्रकार की दुकानें भी कह सकते हो, बात को आसानी से समझने के लिए। तो जब आप इस बिजनेस में अपना पहली बार लेवल अपग्रेड करते हो, पहली पायदान आपने पास कर ली तो आपने अपना लेवल अपग्रेड कर लिया, वो जरूरी है ताकि आपकी इनकम में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए। तो आपने चले गए सेकंड स्लॉट पे जिसका कीमत है 0.01 BNB, जहां पे भी आपका जैसा ग्रोथ हो रहा है आपके साथ जुड़े हुए लोग भी तो आपके ग्रोथ में शामिल होंगे, तो उसकी वजह से उसमें से भी किसी एक इंसान ने स्लॉट नंबर 2 अपग्रेड किया। आपकी वजह से किया, इसलिए उनके अपग्रेडेशन पर आपको 0.005 आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी पहुंच जाएगा, और साथ में तीसरी बार E5 का आईडी यानी कि 7.2 BNB का आपको तीसरा आईडी मिलेगा, यानी कि अब आप 10,80,000 की इनकम पाने के लिए एलिजिबल हो गए। और ये कारोबार चलता रहेगा, आपने आपके साथ बट नेचुरल दूसरा इंसान जुड़ा। इस 13 दुकान यानी कि 13 स्लॉट में आपको एक बात याद रखनी है कि हर स्लॉट में हर जगह पर जो दूसरी आपका ये जो चार लोगों को जोड़ने का टास्क है, एक साइकिल कह सकते हो, वहां पे दूसरी पोजीशन में जब भी कोई इंसान जुड़ेगा आपके साथ किसी भी लेवल पे, वो आपको 100% इनकम आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही आ जाएगी, चाहे स्लॉट की कीमत कुछ भी हो। जब आप तीसरी पोजीशन पे किसी को स्लॉट नंबर 2 पे जोड़ते हो तो वहां पे पहली बार ही आपको दो कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। उसका मतलब ये है कि 0.01 जो स्लॉट की कीमत है उसका आधा 50% जो है ना वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा, लेकिन इस बिजनेस में पूरी टीम एंटायर टीम आपके बिजनेस के डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है। और इसीलिए आपके सेकंड अपलाइन जिसके रेफरेंस से आप आज ये मीटिंग सुन रहे हो, आप उनके साथ जुड़ने वाले हो, समझ लो जुड़ गए, उनके साथ वो जिनके साथ जुड़े हैं सेकंड अपलाइन कहते हैं उनको, उनके ट्रस्ट वॉलेट में ये इनकम पहुंच जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक संगठन है, विन विन रिलेशन है, सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और डेवलप करते हैं, तो उनके वहां ये इनकम पहुंच जाएगी। और अब ये आपको समझ में आने लगेगा कि जब आप टास्क खत्म करते हो, साइकिल पूरा करते हो, तो उसका जो जुड़ने वाला चौथा इंसान जो है ना, उसका हर बार पैसा जो भी है बीएनबी के रूप में वो रिसाइकल होता है, आपके स्पॉन्सरर के पास चला जाता है, और उनकी जो भी पोजीशन रहेगी, मतलब दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, जहां पे वो पहुंचेगा उसके हिसाब से बिहेव करेगा और उनको मिल जाएगा। पर आपके लिए वो क्या काम करेगा? नए चार लोगों को जोड़ने की जगह खाली कर देगा। तो उसी तरह इस बिजनेस में जो आपको बाजू की स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे 1313 दुकानें हैं, और ये सारी दुकानें प्रॉपर्टी जैसे एक ही बार खरीदते हैं, वैसा आपको लाइफ में एक ही बार ये स्लॉट अपग्रेड करते जाना है। जितना ज्यादा और जितना जल्दी स्लॉट अपग्रेड करेंगे उतनी ही ज्यादा और इतनी ही जल्दी आप करोड़पति बन सकते हो, ये मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि मैं कर चुका हूं।
मेरे घर भी इनकम आ चुका है और इसीलिए आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं। तो चलिए, ऐसे टोटल 13 स्लॉट हैं और हर एक स्लॉट की कीमत यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ 3 जगह है अलग है, स्लॉट नंबर 1 जो 0.005 है, उसके बाद स्लॉट नंबर 5 जिसकी कीमत है 0.01 BNB, और उसके बाद वाला स्लॉट नंबर 6 0.02 BNB। ये 3 जगह ऐसी है जहां पे तीसरी पोजीशन में व्हाइट और पिंक नहीं है, और उसका मतलब ये है कि उसका 100% उस जगह पर आके आपके साथ जो भी लेवल अपग्रेड करेगा तीसरी पोजीशन में आएगा, उसका 100% सीधा इनकम आपके ट्रस्ट वॉलेट में आने वाला है। बाकी की जगह पे 50% आपको, 50% आपके सेकंड अपलाइन को मिलेगा। तो ये है बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर। हो सकता है 100% आप पहली बार सुन रहे हो तो नहीं समझ पाओगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूं, तो ये स्वाभाविक है। पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो समझ में आने लगता है, क्योंकि जमीन पर रह के स्विमिंग करने की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तब तक स्विमिंग नहीं आएगा जब तक पानी में नहीं उतरेंगे। तो बिल्कुल ही ऐसी ही बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ इनकम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जब आप एक टास्क पूरा करते हो 4 लोगों को जोड़ने का, तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? मतलब कि जब आपने 1 से 13 स्लॉट एक बार ही अपग्रेड करने हैं लाइफ में, अपग्रेड कर लिए और आपका ग्रोथ देखते हुए आपके साथ लोगों को आना ही आना है, तो आके उन्होंने भी आपके साथ, पहले इंसान ने 1 से 13 स्लॉट अपग्रेड किए, तब तक में आपकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपकी टोटल लागत जो नॉन वर्किंग इनकम के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा, 1 से 12 स्लॉट टोटल 13 स्लॉट अपग्रेड होने तक में, वो है 16.92 BNB। पर आपको 13 स्लॉट टोटल अपग्रेड आपने किए, आपके साथ एक इंसान ने किया, आपको क्या मिला? 4 IDE5 7.2 BNB वाली। आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको एक ऑलरेडी मिली थी, तो टोटल 5। उसके बाद 1717 ID जो आपको 144 point something BNB देने वाली है, वो है E5+। उसके बाद है EG4, उसमें एक आईडी जो 610 BNB वाला नॉन वर्किंग है, और E3 प्रीमियम जो प्रीमियम क्वालिटी का नॉन वर्किंग है, वहां पे आपकी 3 आइडिया। इतनी सारी आइडिया आपकी नॉन वर्किंग इनकम को कमाने के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी। और साथ में एक इंसान को 13 स्लॉट अपग्रेड करवाया, तब तक में टोटल आपको 34.255 BNB इनकम जो है वो सीधा बिना विड्रॉल का बटन या कुछ भी किए सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आने वाली है। ये आपकी वर्किंग इनकम हो गई। उसी तरह जब आपने दूसरे इंसान को 1 से 13 स्लॉट अपग्रेड करवाएंगे तो टोटल आपको मिलेंगे 51.175 BNB। ये आपकी वर्किंग इनकम है। उसके बाद तीसरी पोजीशन में जो भी इंसान 1 से 13 स्लॉट अपग्रेड करेगा तो आपको टोटल क्या मिलेगा? सेकेंड अपलाइन के रूप में आपकी भी नेचुरल है कि आपकी भी टीम डेवलप होगी, तब आपको, आप किसी के सेकेंड अपलाइन रहेंगे तभी आपको मिलेगा, पर सेकेंड अपलाइन को जाएगा कितना? 25.435 BNB। पर आपके लिए कितना मिलेगा? जो इंसान थर्ड पोजीशन पे आपके लिए आया, जिसको आपने 1 से 13 स्लॉट अपग्रेड करवाए, उसकी इनकम मिलेगी आपको 25.74 BNB। और चौथे इंसान का रिसाइकल होगा, कितना होगा? 51.175। आप भी इस बिजनेस में ग्रोथ करते हो, आपके साथ आने वाले लोग भी आपकी तरह ही बीएनबी की इनकम कमाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये इनकम भी रिसाइकल होके आपके टीम डेवलपमेंट में एक दिन आपको भी मिलेगी। पर आपने खुद ने जो ये एक टास्क पूरा किया 4 लोगों को 13 स्लॉट तक पहुंचाने का, तो उससे पूरा टास्क पूरे करने पर आपको 111.17 BNB आपकी इनकम होती है। सर 111.17 BNB कितनी बड़ी अमाउंट है उसका अब आपको अंदाजा आएगा। उससे पहले मैं आपकी और कुछ खर खर जो है वो क्लीन कर देता हूं कि ये इतने सारे बीएनबी आप बता रहे हो वो सिस्टम में जनरेट कहां से होता है? मान लो आपने एक साथ 1 से 5 दुकान खरीदी, यानी कि आपने 1 से 5 स्लॉट अपग्रेड किया, तो
किसी भी इंसान को 1 से 5 स्लॉट एक साथ अपग्रेड करने पर 0.18 BNB की लागत, यानी कि अप्रोक्स 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट होती है, और आपके साथ एक इंसान को आपने 5 स्लॉट अपग्रेड करवा दिया तो आप क्वालिफाई हुए E5 प्लस के लिए। E5 प्लस मतलब क्या, 144 BNB का एक आईडी आपको मिला। अभी 144 BNB कैसे जनरेट होते हैं, ये भी 5 का मैट्रिक्स है, ग्लोबली अप्लाइंग रहते हैं इसमें भी। तो ये जो सीक्वेंस से कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली जो काम होता है 5 के मैट्रिक्स में, दूसरी और चौथी जगह पे जो 2 लोग आए उसका 100% 0.02 BNB पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और पहली तीसरी और पांचवी जगह पे जो लोग आए उनका 0.03 आपके ग्लोबल अपलाइन के पास। लेकिन उसके ग्लोबल अपलाइन के पास जाने की वजह से आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब दूसरा स्लॉट आ गया 0.3 BNB, 5 लोगों का मिला के हो जाएगा 1.5 BNB, उसमें से 3 लोगों का पहली तीसरी और पांचवी जगह का वापस 0.9 ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा आपके ग्लोबल अपलाइन के पास, और आपको 0.60 BNB मिल जाएगा। पर जो ऑटो अपग्रेड में गया उसने आपका स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया, आप पहुंच गए तीसरे स्लॉट है 0.9 का, और इसमें भी आपका आप देखिए 0.9 में प्रॉफिट हुआ 4.5 BNB, उसमें से 2.70 ग्लोबल अपलाइन के पास गया, और जो 0.4 BNB है वो कट हुए, उसने रीजनरेट किए फिर से आपके लिए नए 4 ID, और 1.4 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपकी इनकम भी थी। तो ऐसा लगातार चलता रहेगा तीसरी किस्त के बाद चौथी किस्त में, पांचवी किस्त में, छठी किस्त में, तो 6 किस्त में आपको कितना मिलेगा 144 BNB, तकरीबन 72 लाख। लेकिन एक बार आपने 1.144.10 BNB पा लिया, रीजनरेशन का जो मैजिक काम करता है 16 ID वापस रीजनरेट हो जाएगी आपको ये 144 BNB देने के लिए। तो ये लगातार चलता रहेगा। EG4 जो EG4 क्यों नाम है इसका, क्योंकि यहां पे कैसे मिलेगा, अगर किसी भी इंसान ने 1 से 6 स्लॉट, 1 से 6 दुकानें जिंदगी में एक बार खरीदनी है खरीद लिया, उसी तरह 1 से 6 स्लॉट अपग्रेड कर लिया, .38 BNB लागत है तकरीबन 20,000, और एक इंसान को अपने साथ 6th स्लॉट अपग्रेड करवा दिया तो आप पहुंच जाते हो EG4 में। EG4 मतलब क्या, जो 4 का मैट्रिक्स है .2 BNB की कीमत है, तो दूसरी और चौथी जगह पे जो लोग आया उसका 100% .2 .2 यानी कि .4 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच गए, और पहले और तीसरे इंसान का .4 आपके ग्लोबल अपलाइन के पास पहुंच गया जिन्होंने आपके लिए दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर दिया। यहाँ पे 10 किस्तों में आपको 610.80 BNB मिलते हैं, लेकिन तीसरी किस्त से लेके वापस हर बार 2-2 ID रीजनरेट होने लगते हैं, और उसकी वजह से 10 किस्तों में जब आप 610 BNB पालोगे तकरीबन 3 करोड़ वापस 16 नए ID आपको नॉन वर्किंग इनकम देने के लिए काम करने लगेगी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार एवरग्रीन नेवर क्विट, यहाँ पे इनकम हर एक इंसान की कंटिन्यूस चालू ही रहेगी। जिसके बाद है E3 प्रीमियम, जहां पे एक इंसान को 300 BNB मिलते हैं। कैसे, उसको एलिजिबल होने के लिए आपको लाइफ में एक बार 1 से 12 स्लॉट 1 to 12 स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है, और जब आपने 12 स्लॉट अपग्रेड कर लिया आपके साथ अकेले मत आगे बढ़ो, अपने साथ एक इंसान को लेकर चले। जब आपने अपने साथ एक इंसान को 12 स्लॉट अपग्रेड करवा दिया आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई हुए, मतलब 300 BNB वाला नॉन वर्किंग जो 3 के मैट्रिक्स से काम करता है उसमें बीच की जगह पे आने वाला 5 BNB सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा जब आपका नंबर आया, और पहली और तीसरी कक्षा में जो भी 5-5 BNB आए वो ग्लोबल अपलाइन के पास पहुंच जाएंगे, आपके लिए लेवल अपग्रेड करते जाएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे 2nd लेवल में। तो यहाँ पे वही सेम इक्वेशन सेम मैथमेटिक्स काम करता है, और 3rd स्टेज से लेके 4th और 5th तीनों स्टेज में तीनों जो किस्त आपको मिलेगी हर बार एक एक नया आईडी E3 प्रीमियम का रीजनरेट होगा। और जब आप सिर्फ 5 किस्तों में 300 BNB की इनकम पा लेते हो तकरीबन 1.5 करोड़ वापस नए 3 ID तब तक जो रीजनरेट होते हैं वो वापस आपको 300 BNB का नॉन वर्किंग देने के लिए काम करने लगते हैं। तो ये है बिजनेस का मैजिक, बहुत सारे लोगों के आईडी रीजनरेट हो चुके हैं और ऐसी नॉन वर्किंग इनकम है उनकी आने लगी है, मेरी खुद की आने लगी है ना,
इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूं। ये बिजनेस आसानी से समझ में नहीं आएगा, और समझ आ गया ना तो कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस को डेवलप करने में रोक भी नहीं पाएगी। ग्रैंड प्रॉफिट देखते हैं जरा क्या क्या है। पहला, जो आपने काम करके कमाया, E3 प्लस एक टास्क पूरा करने पे आपको मिलता है 111.17 BNB। उसके बाद नॉन वर्किंग के रूप में जो आपको मिलेगा E5, वो है 36 BNB के लिए। आप टोटल 5 आईडी गई तो उसके लिए आप एलिजिबल हुए। E5 प्लस 17 आईडी बनी, 2450 BNB के आसपास कीमत बनी। EG4 610 BNB.80। उसके बाद E3 प्रीमियम, जिसमें आपके 13 स्लॉट अपग्रेड करने तक 900, मतलब के 300 वाली 3 आईडी। तो टोटल एक बार लाइफ में 1 से 13 स्लॉट अपग्रेड कर लिया, एक टास्क पूरा करने पर आप कितना कमाते हो जरा सोचो। 4106 BNB, 50,000 के हिसाब से देखोगे तो साब हो जाता है 20.5 करोड़। साब ऐसा पैसा कमाते हुए यहाँ पे लोगों की भरमार लगी है जो करोड़पति बन चुके हैं। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सेलिंग रियलिटी विथ यू। चलिए तो वर्किंग का पावर देखते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में काम करने से जबरदस्त इनकम माइक्रो सेकंड में फटाफट सीधा हमको मिलती है। 4 लोगों को हमने 13 स्लॉट तक डायरेक्ट करवाया तो कितना मिला, 117.11.17 BNB। वो रिसाइकल होके भी, हम जो टीम डेवलप होती है उसकी वजह से रिसाइकल होके भी आपको मिलेगा कितना, अगेन 111.17 BNB। आप किसी भी, बहुत सारे लोगों की सेकंड अपलाइन हो तो सेकंड अपलाइन के रूप में भी आपको जो इनकम आनी है वो है 411.84 BNB। सब मिला के कितना हुआ, टोटल इनकम हो गई बॉस 634 BNB। अब देखते हैं जरा इंडियन रुपीज में वो कितना होता है। डॉलर में देखोगे तो वो हो जाएगा $3,80,400, और इंडियन रुपीज में देखोगे तो वो हो जाएगा 3 करोड़। काम करके मिलने वाला पैसा जो हम सब लोग इसका लुफ्त उठा रहे हैं, आप भी उठा पाओगे। पॉजिटिव सोच बनाए रखना, पावर ऑफ वर्किंग। अगर आपने 4 के बजाय 8 लोगों को 13 स्लॉट करवा दिया तो आपको मिल जाएगा इंडियन रुपीज में 6.46 करोड़ इनकम, जो आपको माइक्रो सेकंड में मिलती है काम करते करते। अगर 16 लोगों को डायरेक्ट करवा दिया तो 13 करोड़। अगर 40 लोगों को 13 स्लॉट तक अपग्रेड करवा दिया तो 32 करोड़। ये लोग कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, भाग रहे हैं कमाने के लिए। बस यही है बिजनेस की सोच है एक, जिसमें प्रैक्टिकल रियल रिजल्ट मिल रहा है जो हम अपने ट्रेडिशनल दुनिया में कभी भी नहीं कमा सकते। रीजनरेशन का मैजिक समझिए। जब आपने 4 आईडी आपके जनरेट हुए E3 प्लस के, उसमें से नए 16 आईडी जन्म लेंगे तो कितना हो जाएगा, रीजनरेट होके 20 आईडी। E5 प्लस के 17 आईडी है, उसमें से भी तो 16 नए आईडी रीजनरेट होंगे, 33 आईडी। उसके बाद EG4 में एक आईडी गया, उसमें भी तो नए 16 आईडी जनरेट होंगे, वो हो जाएंगे 17 आईडी। E3 प्रीमियम में आपके 3 आईडी गए हैं, वो भी तो नए 3-3 आईडी बनेंगे, मतलब 6 आईडी। तो यहाँ पे जो है आईडी रीजनरेट होते ही रहते हैं। जैसे कि 16 आईडी है तो 16-16 आईडी वापस नए 16-16 आईडी को रीजनरेट करेंगे तो 256 हो जाएंगे, 256 आईडी भी वापस नए नए 16 आईडी रीजनरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4096 आईडीज रीजनरेट होते रहते हैं। लोगों को ऑटोमेटिकली इनकम आती रहती है। यह है एवरग्रीन नेवर क्विट के 1.5 लाख लोगों के संगठन का मैजिक। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, एक नेक सोच जो हमारे ये जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, जिनको हम बहुत ही आदर सम्मान से रिस्पेक्ट के साथ, जिन्होंने लाखों लोगों के घर BNB के रूप में इनकम पहुंचाई, उनको रिस्पेक्ट से हम लोग नाम लेते हैं, ओमेश कुमार सर, जिनकी एक नेक सोच ने 1.5 लाख लोगों को रोजगार पहुंचाया। एक और सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ये है ग्लोबल, ये है जेका फाउंडेशन। जेका फाउंडेशन का एक पार्ट जो है, पहला वो है ग्लोबल डेथ बेनिफिट। यहां पे जो भी इंसान 6th स्लॉट पर तक पहुंचता है और 4 लोगों को 6th स्लॉट अपग्रेड करवाता है, वो जेका फाउंडेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होता है। उसका फॉर्म 5 USDT से आप फिलअप करके एक जेका फाउंडेशन की मेंबरशिप लेते हो, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग जेका फाउंडेशन के मेंबर बन जाते हैं, साल में हर साल 3 USDT से रिन्यूअल करते हैं।
कभी कोई नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ हुआ, जेका फाउंडेशन का जो मेंबर है जिसकी आयु 18 से 65 साल तक की है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और किसी का भी एक्सीडेंटल या नेचुरल कोई भी डेथ हुआ तो उसके परिवार को सपोर्ट करने की सोच इंश्योरेंस जैसी समझ लो सिस्टम की ओर से $50 उसको मिलता है, और पूरा जेका फाउंडेशन फैमिली जो है वो हर एक इंसान एक एक USDT उस इंसान के घर पे डोनेट करता है जिससे उसके फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाए। आने वाले समय में बिजनेस प्रोजेक्ट फंड के रूप में भी यहीं से अमीर होके यहाँ पे और कैसे अमीर बना जाए इस सोच के हिसाब से एक प्रोविजन किया गया है, जिसके पास एक यूनिक सोच है और उस यूनिक सोच के माध्यम से वो बहुत सारा बिजनेस डेवलप करके इनकम पाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो जेका फाउंडेशन की ओर से मिलेगा जिसमें वो लोग पार्टनर रहेंगे, आपको वापस पैसा चुकाने की जरूरत नहीं, और उस माध्यम से भी आप एक और इनकम कमाने का सोर्स इकट्ठा कर सकते हो। ये है एक और सोच बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, बाद में उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है विक्टर क्लब। विक्टर क्लब का मेंबर कोई भी इंसान बन जाता है जब वो 12 स्लॉट अपग्रेड करता है और एक इंसान को 12 स्लॉट अपग्रेड करवा देता है। तो जितने भी विक्ट्री क्लब के मेंबर है उनको जो भी इंसान जेका फाउंडेशन में मेंबरशिप लेता है उसका जो 5 USDT है उसमें से 1 USDT विक्टर क्लब में आता है। जो भी इंसान हर साल 3 USDT से रिन्यूअल करता है उसका भी 1 USDT विक्टर क्लब में आता है, और ये जो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है उसमें भी विक्टर क्लब 10% का साथ में पार्टनर होता है। तो ये सारा विक्टर क्लब में जितने भी लोग है ना, ये जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो सारे विक्टर क्लब के लोगों के बीच 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से विक्टर क्लब के हर एक मेंबर को मंथली कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहती है। अब और उससे ज्यादा इस बिजनेस में क्या सिक्योरिटी चाहिए, गवाने जैसा कुछ नहीं, अगर काम कर लो तो कमाने के लिए कोई रोक सके उतने कोई ताकत नहीं, आपकी सोच से कई गुना ज्यादा आप इस बिजनेस के माध्यम से BNB के रूप में इनकम कमा सकते हो। एक और प्रोजेक्ट है आने वाले समय में, वो है EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। यहाँ पर कोई भी इंसान 6th स्लॉट अपग्रेड करता है और 4 लोगों को 6th स्लॉट अपग्रेड करवाता है, आपको 250 EVR पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। टोटल पहले 25,000 लोगों को ये मिलेगा चलो, और ये एक EVR जो पॉइंट है उसकी कीमत तकरीबन आज के दिन में भी $1 के आसपास है, तो ये आने वाले समय में भी एक एडिशनल प्रॉफिट आपको देने वाला है। चलिए, तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हर घर में एक तेजुरी होती है जहां पे हम लोग पैसा रखते हैं, उसी तरह हर मोबाइल में सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट या तो मेटानास नाम का एक एप्लीकेशन चाहिए जो प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल होता है, जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। एक बात बहुत ध्यान रखना बरखुरदार, ये जो ट्रस्ट वॉलेट जब आप इंस्टॉल करते हो तब ये ट्रस्ट वॉलेट आपको एक प्राइवेट सिक्योर की देता है, 12 फेस बोलते हैं उसको, जो 12 इंग्लिश के स्पेलिंग होते हैं, उसको कैपिटल में रख लिख के अच्छे से रखना, और ये सिक्योरिटी आप किसी के भी साथ शेयर मत करना, किसी भी कंडीशन आपके फैमिली मेंबर्स को छोड़ के किसी को भी ये 12 फेज पता नहीं होने चाहिए। जब भी आपका मोबाइल खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस 12 फेज के माध्यम से ये एप्लीकेशन वापस आप किसी भी मोबाइल में रीइंस्टॉल कर सकते हो, और आपका BNB के रूप में जो भी इनकम हुई है वो आपके लिए आपके पास सेफली स्टोर रहेगी। तो मेरी ये बात कभी भी ना भूले और अच्छे से याद रखें, ये गलती कभी ना करें। चलिए, आपके नए बिजनेस की रूप में मैं आपको वेलकम करता हूं, मिलके करेंगे, साथ में करेंगे, जबरदस्त इस बिजनेस को डेवलप करेंगे, मैं आपकी करोड़पति की दुनिया में स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, जय एवरग्रीन।